अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ अब्दुल हन्नान एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो सेल बायोलॉजी में जो हम टेक्निक्स पढ़ रहे थे उसमें से आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात स्टार्ट करें तो स्टेटमेंट ये है कि क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज टू सेपरेट डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम अ मिक्सचर्स। तो मिक्सचर से जो कि हम डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं उनको जो है वो सेपरेट करने के लिए एक जो टेक्निक है वो है क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी को जो है ना हम जनरली यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इसको बेसिकली बेसिकली जो प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं और जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उनके जो मिक्सचर्स हैं, ठीक है, उनको सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी को जनरली यूज़ किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी के जो है ना वो डिफरेंट जो हैं वो उसके टाइप्स हैं, वेज हैं, लेकिन जो सबसे जो है वो इजीएस्ट और सबसे जो कॉमन जो जो टाइप है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली जो है ना हम दो फेजेस यूज़ करते हैं जो कि आपको जो है वो डायग्राम में नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अब जो फर्स्ट फेज है इसमें है स्टेशनरी फेज। अब इसमें जो स्टेशनरी फेज विच इज़ सेल्यूलोज फिल्टर पेपर, जो कि फिल्टर पेपर है जो कि सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, वो जो सेल्यूलोज फिल्टर पेपर है वो बेसिकली क्या चीज़ है, स्टेशनरी फेज। यानी कि स्टेशनरी है, इसका मतलब कि उसमें मूवमेंट नहीं होगी, ठीक हो गया। और जो सेकंड फेज है वो सेकंड फेज मतलब कि सेकंड पार्ट जो उसका है वो है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज इसका इसका मतलब ये है कि उसमें मोबिलिटी यानी कि मूवमेंट मोशन होगी, ठीक हो गया। तो उसमें जो है वो सॉल्वेंट है इन विच अ सैम्पल मिक्सचर इज़ डिजॉल्व, यानी कि जो जो सॉल्वेंट है, सोल्यूशन है जिसमें हमारा जो सोल्यूशन मिक्सचर है वो प्रेजेंट है, ठीक हो गया। अब इसका मैकेनिज्म बात करें उसकी, तो व्हेन द सॉल्वेंट ट्रेवल्स ओवर द पेपर, ठीक है, द मिक्सचर सैंपल बिगन्स टू सेपरेट एज डॉट्स एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन पेपर अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटीज। तो जो मिक्सचर सैंपल जो हैं, जो कि हमारा जो जो सैंपल था वो बेसिकली एज अ डॉट्स की फॉर्म में सेपरेट होता है पेपर में डिफरेंट प्लेसेस पर, जितनी की उनकी एफिनिटी है, जितनी उनकी जो अट्रैक्शन है टुवर्ड द पेपर, जो पेपर सरफेस है, ठीक है, उसके साथ उसकी जितनी जो है वो एफिनिटी होगी उतना ज़्यादा जो है वो उसके साथ जो है वो डिफरेंट पोजीशंस पर जो है वो प्लेस होगा, ठीक हो गया। तो जो कि पेपर जो, ठीक है, तो एंड में क्या है कि जो पेपर जिसमें डिफरेंट डॉट्स में जो हमारा जो सैंपल है वो प्रेजेंट होगा उसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राम। तरह हम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू जो हमारी जो मिक्सचर है प्रोटीन का, अमीनो एसिड का और जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उनको हम सेपरेट करते हैं, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसकी स्टेटमेंट यह है कि इट इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज टू सेपरेट फ्रेगमेंट्स ऑफ अ चार्ज बेयरिंग पॉलीमर मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप, पॉलीमर मॉलिक्यूलर वेट एंड सरफेस चार्ज, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब सिंपल बात यह है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जो है जो चार्ज बेयरिंग जो पॉलीमर्स हैं, जिन पॉलीमर्स, जिन लार्ज मॉलिक्यूल्स पर चार्जेस हैं उनके फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है, उनके साइज, शेप, मॉलिक्यूलर वेट और जो सरफेस जो चार्ज है यानी कि जो पॉजिटिव या नेगेटिव उसके अकॉर्डिंग हम इनको सेपरेट करते हैं। अभी जो सब चार्ज बेयरिंग जो पॉलीमर्स हैं वो बेसिकली जो हैं वो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं वो चार्ज बेयरिंग पॉलीमर्स हैं, ठीक हो गया। इसकी टेक्निक की बात करें तो दिस टेक्निक यूटिलाइजेज अ जेल मीडियम फॉर सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स विच इज़ डन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस टेक्निक में हम बेसिकली एक, आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा, हम एक जेल मीडियम को जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। जेल मीडियम को यूज़ किया जाता है फ्रेगमेंट्स की सेपरेशन में, और ये जो फ्रेगमेंट की सेपरेशन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस यानी कि प्रेजेंस में ये सेपरेशन होती है। ऑफन द जेल इज सैंडविच बिटवीन ग्लास और प्लास्टिक प्लेट्स टू फॉर्म अ विस्कस स्लैब। कभी कभार या फिर बहुत दफ़ा हम ये अपने ईज के लिए जो जेल है उसको हम सैंडविच यानी कि हम बिटवीन में रखते हैं जेल को ग्लास
जो प्लास्टिक प्लेट्स हैं उनके बिटवीन हम रखते हैं ताकि जो है वो एक वेग विस्कस स्लैब बने, ठीक है। यानी कि विस्कस स्लैब को जो है वो हम जो अपनी प्लेट्स हैं उनके बिटवीन में रख लेते हैं। द टू एंडस ऑफ द स्लैब्स आर सस्पेंडेड इन टू टू साल्ट सोल्यूशन दैट आर कनेक्टेड बाई इलेक्ट्रोड्स टू अ पावर सोर्स। अब ये जो स्लैब जो बनी है जिसमें हमारी जेल प्रेजेंट है उसको हम कनेक्ट करते हैं अपने दो साल्ट सोल्यूशन तक, उसको हम कनेक्ट करते हैं। और जो दो साल्ट जो सोल्यूशंस हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए से पावर सोर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक हो गया। एट वन एंड ऑफ द स्लैब द सैंपल्स आर लोडेड। स्लैब के एक एंड में जो हमारे सैंपल्स हैं वो लोडेड हैं, सैंपल्स प्रेजेंट, जो सैंपल है वो प्रेजेंट होता है स्लैब के एक एंड में। यानी कि एक एंड में स्लैब के जो स्लैब है जो जेल है उसके एक एंड में हमारे सैंपल प्रेजेंट हैं, ठीक हो गया। व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड टू द अपरेटस द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ जेल माइग्रेट थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब हम पावर सोर्स वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स जो कि जेल में प्रेजेंट थे वो माइग्रेट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। और जब हमें पता है कि जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू माइग्रेट होंगे तो ये होगा कि जो उनके जो जो चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव वो बेसिकली जो है वो सेपरेट होंगे। तो फिर द नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल विल मूव टुवर्ड द पॉजिटिव पोल, ठीक है। जो पॉजिटिव पोल है उसकी तरफ जो है वो हमारे जो हमारे सैंपल में जेल में जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली पॉजिटिव पोल की तरफ जाएंगे, और जो हमारे जो सैंपल में जो पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो नेगेटिव पोल की तरफ मूव करेंगे। तो द वेलोसिटी ऑफ द मूवमेंट ऑफ फ्रेगमेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। अब जो फ्रेगमेंट्स जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव में सेपरेट हो गए हैं उनकी जो जो वेलोसिटीज़ हैं वो बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं उनके साइज़। इसका मतलब ये हुआ कि जिन मॉलिक्यूल्स का साइज़ स्मॉल होगा, ठीक है, वो उनकी जो मूवमेंट है जो मोशन है वो ज़्यादा होगी। तो इस तरह इन दिस वे ऑल द फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड इन द जेल आफ्टर सम टाइम। तो इस तरह जो है वो ये प्रोसेस होता है, और लेटर ऑन द मॉलिक्यूल्स कैन बी पिन पॉइंटेड बाय स्टेनिंग द जेल। और हम जो है वो जेल को स्टेन करके, ठीक है, यानी कि कलर डाइज को यूज़ करके हम जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको पिन पॉइंट सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह जो है ना हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू जो है वो उनकी जो सेपरेशन है वो हम करते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर ज़रूर जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल स्टडी वाली क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।